में नगर पालिका के सभासद नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। आज उन्होंने धरना स्थल से प्रेस वार्ता की। बारातघर के काम को 3 साल तक रोकने के दोषियों पर कार्यवाही की मांग एवं नगर पालिका के भ्रष्टाचार को लेकर नगर पालिका में 45 दिन से धरना दे रहे भाजपा सभासदों ने प्रेस वार्ता की। भाजपा सभासदों ने धरने के विरोध करने वाले अन्य सभासदों की निंदा करते हुए उन्हें भ्रष्टाचार समर्थक बताते हुए पार्टी विरोधी बताया। धरना दे रहे भाजपा सभासद इन भाजपा सभासदों की शिकायत पार्टी की अनुशासन समिति से करेंगे। भाजपा सभासदों ने कहा कि देश की मोदी सरकार एवं प्रदेश की योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है। अन्य पार्टी से भाजपा में शामिल होकर भाजपा सभासद बने लोगों को यह अच्छा नहीं लग रहा है। अन्य पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए कुछ सभासद अपनी पूर्व पार्टी सभासदों एवं अन्य सभासदों के साथ मिलकर भाजपा की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। यह लोग बाहर से खुद को भाजपा का बनाकर रखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर भाजपा के खिलाफ कार्य करते हैं। भाजपा के यह सभासद नगर पालिका के भ्रष्टाचार में खुद संलिप्त है, जिसके कारण वह भ्रष्ट ठेकेदारों को बचाने के लिए भाजपा के अनुशासन को लांघते हुए झूठे एवं मनगढ़ंत आरोप पार्टी के सभासदों पर लगा रहे हैं। सभासदों ने कहा कि दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हमें पार्टी से निष्कासित करने की धमकी दे रहे हैं। उन्हें पार्टी की रीति नीति की जानकारी नहीं है, क्योंकि यह ऐसी पार्टी को छोड़कर आए हैं जो अनुशासन का पाठ नहीं जानती है। इन्हें वही आदत पड़ी हुई है। अगर इनको कोई शिकायत थी तो इन्हें पार्टी फोरम में बात रखनी थी। इन्होंने पार्टी की छवि खराब करने के लिए भाजपा के सभासदों पर झूठे आरोप लगाए और उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया पर डाला, जबकि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता के लिए पार्टी में अनुशासन समिति के साथ शहराध्यक्ष एवं जिलाध्यक्ष भी मौजूद हैं। शिवांगी राठौर, हाथरस समाचार 24। अपने प्रेस वार्ता रखी, किस बात को लेकर रखी? देखिए, हमने जो कलेक्ट्रेट पर धरना दिया था उसमें डीएम साहब ने आदेश कर दिया कि एसडीएम साहब जांच कर रहे हैं, तो वो जांच चली रही है। और दूसरा ये है कि कुछ चंद लोग चले गए थे वहाँ, क्या हमको भ्रष्टाचारी बता रहे थे, उनको ये मालूम नहीं कि तालाब में 5 करोड़ रुपये का भुगतान हो गया और तालाब में 1 करोड़ रुपये का भी अभी कार्य नहीं हुआ है। तो ये शहर की जनता जानती है कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, कहाँ हो रहा है। और काफ़ी चीज़ों में है, एसडीएम साहब जाँच कर रहे हैं और बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये हम ऐसी शासन से बिल्कुल अपील। आप लोगों ने आज प्रेस वार्ता रखी है, किस संबंध में रखी है? हमने प्रेस वार्ता आज हमारा धरने का 45वां दिन है। 45 दिन से हम भ्रष्टाचार को लेकर धरने पर बैठे हैं और निरंतर जिलाधिकारी महोदय, ईओ महोदय और जिलाध्यक्ष, विधायक सबको हमने पत्र के माध्यम से अवगत कराया है। और मैं चंद उन सभासद साथियों से कहना चाह रहा हूँ, क्या इन 3 मांगों को लेकर हम भ्रष्टाचारी हैं? जो अपने बाढ़ के हमारे जो कार्य हैं, जिन बाढ़ों को कार्यों को पूर्ण नहीं किया गया, उनमें घोर भ्रष्टाचार किया गया है। क्या भ्रष्टाचार आप कह रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, आप पे कोई साक्ष्य है? हम पे पूरे साक्ष्य हैं। हम जिलाधिकारी महोदय को मैं साक्ष्य के उपलब्ध पत्र उपलब्ध कराया है, ईओ साहब को मैं साक्ष्य के पत्र उपलब्ध कराया है,